पेट्रोल डीजल सहित अन्य सामानों के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ जेएमएम देवघर के नेताओं ने स्वर्णालय गेट पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना में मुख्य रूप से जेएमएम के जिला अध्यक्ष नरसिंह मुर्मू, नगर अध्यक्ष सुरेश शाह सहित युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी और अंग्रेज दास मौजूद रहे। इस मौके पर नरसिंह मुर्मू जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार लगातार अपनी मनमानी कर रही है, जनता पर मूल्य वृद्धि का ठोककर पूंजीपतियों की जेब भर रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि हो रही है, जनता त्रस्त है और सरकार इसको सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण हमारे देश का जनता आज गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई है। 100 रुपया पेट्रोल, 90 रुपया डीजल जब यह सत्ता में आ रही थी मोदी सरकार, उसके पहले उनका अनाउंसमेंट था कि हम डीजल को किसान के हित देखते हुए उसको फ्री में बांटेंगे, और आज यह हालत है कि किसान चाह करके भी अपने जो है पंप को चलाने के लिए डीजल खरीद नहीं पा रही है, और किसान जो है खुद का अनाज बेचने के लिए आज जो है 2-2.5 महीना से जो है कि दिल्ली के रोड पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में भी आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का सेंट्रल कमेटी के निर्देशानुसार जो है हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, और महंगाई को जब तक कम सरकार नहीं करती है हम लोग केंद्र के निर्देशानुसार जो है आंदोलन करते रहे। आइए भाई, माननीय प्रधानमंत्री ने सत्तासीन होने का काम किया है, उन्होंने दिवासप्न दिखाया था आम जनता को कि 30 से 35 रुपया लीटर आपको मैं पेट्रोल दूंगा, 30 रुपया डीजल दूंगा, सस्ते सब्सिडी के साथ गैस दूंगा, मगर हुआ क्या, अच्छे दिन का झांसा दिखाकर आज देश को बुरे दिन में लाके खड़ा कर दिया। हम मांग करते हैं उनसे कि अच्छे दिन नहीं दे सकते हैं आप, तो कम से कम वो दिन ही लौटा दीजिए जिस दिन में हम लोग जी रहे थे। जिस तरह से जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता हताश है, जनता की सुनी नहीं जा रही है। आज देश के अन्नदाता किसान अपने मुद्दे को लेकर पूरे देश में आंदोलनरत है, और ये तानाशाही सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। इस तानाशाही के विरुद्ध में, ये फासिस्ट ताकतों के विरुद्ध में, ये पूंजीपतियों के विरुद्ध में, ये पूंजीपति सरकार के विरुद्ध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध दर्ज कराता है और मांग करता है कि आप महंगाई पर रोक लगावें, आप किसानों को सुने, आप देश के बारे में सोचें, और अगर आपकी संवेदना मर गई है तो सबसे अच्छा होगा जनता के साथ न्याय करिए, त्याग पत्र दे दीजिए और विदा ले लीजिए और संन्यास बन जाइए।